हाय एवरीवन, मैं सुनील सर। आज तुम लोगों को क्लास 11 का सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे बेसिक टॉपिक क्या है? जब क्लास 11 में हम लोग आते हैं, कॉमर्स लेते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ने आते हैं, तो सबसे पहले सवाल होता है कि सर अकाउंट क्या है, क्योंकि बार बार तुम लोगों को यही चीज पढ़ना है, क्या अकाउंट अकाउंट अकाउंट, ये अकाउंट वो अकाउंट। तो अकाउंट क्या है ये आज समझेंगे, और दूसरा ये समझेंगे कि इसका टाइप्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंट क्या है। तो अकाउंट होता है, असल में अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। मतलब क्या है इसका? अकाउंट असल में क्या होता है ना, जैसे हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी के साथ। सपोज करो हमारा एक दुकान है और हमारे पास कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि भैया ये सामान हमें दे दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको सामान बेचा। अभी सामान जब बेचा, गुड्स जब उसको सोल्ड किया, बेचा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, क्या ट्रांजेक्शन हुआ सेल, उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये जो रिकॉर्ड करेंगे, तो किसके थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, तो अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंट को लेके बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझना है कि अकाउंट के थ्रू ही कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकता है किसी पर्सन से रिलेटेड हो या फिर किसी आइटम से रिलेटेड हो। ठीक, और इसके आगे कुछ भी नहीं समझना है। अब समझना क्या है अकाउंट में, कि ये क्लासिफिकेशन इसका क्या होता है, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, बिकॉज अकाउंट का टाइप के अकॉर्डिंग ही तुम्हें क्या करना है, रिकॉर्ड करना होगा अकाउंटेंसी में। तो समझते हैं सबसे पहले। तो अकाउंट बेसिकली, अकाउंट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप का कौन सा? एक को बोला जाता है पर्सनल अकाउंट, और अकाउंट को हम लोग शॉर्ट में A/C बोलते हैं। AC मत समझ लेना, ये A/C है, इसको अकाउंट ही बोलेंगे हम लोग। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। और फर्दर इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड रियल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। अब इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, तो हमारा अकाउंट दो तरीके का हम लोग जनरली नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं कि भैया हमारा अकाउंट तीन तरीके का है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब समझते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है क्या, कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। तो पर्सनल अकाउंट होता है कोई भी अकाउंट, अगर किसी पर्सन, किससे, अगर किसी पर्सन या फिर फॉर्म मतलब बेसिकली फॉर्म मतलब बिजनेस का नाम, अगर कोई भी अकाउंट किसी पर्सन या फिर फर्म से रिलेट करता हो, फर्म को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, उस अकाउंट को बोला जाएगा पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट में क्या करेंगे, राम से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग राम अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। राम अकाउंट हो गया, मोहन अकाउंट हो गया। सपोज एक दुकान का नाम ले लेते हैं, क्या सपोज अजंता एंटरप्राइजेस अकाउंट, ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली दुकान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दुकान से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। सपोज को रिलायंस है, बहुत ही रेपुटेड हमारे देश का कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड अकाउंट। तो ये सारे क्या हो गए, ये बेसिकली या तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर किसी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो भी अकाउंट किसी पर्सन या फिर फर्म को रिप्रेजेंट करे, वो सारे अकाउंट हमारे क्या हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। जैसे मेरा नाम सुनील है, तो सुनील अकाउंट जो होगा अगर होगा, तो उसको बोला जाएगा वो पर्सनल अकाउंट है। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम अवेकनिंग इंस्टीट्यूट है, तो बोला जाएगा अवेकनिंग इंस्टीट्यूट अकाउंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि अवेकनिंग इंस्टीट्यूट एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं कि रियल अकाउंट क्या है।
तो देखो बिजनेस में ना बहुत सारे एसेट्स यूज होते हैं, ठीक है। एसेट्स क्या होता है वो पहले थोड़ा बता दूं। एसेट्स वो चीज है, वो आइटम है जिसको हम लोग यूज करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। जैसे मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, हमारे पास बिल्डिंग है वो हो गया, उसको एसेट बोलते हैं। तो कोई भी अकाउंट जो किसी एसेट को रिप्रेजेंट करेगा उसको बोला जाएगा रियल अकाउंट, मतलब एसेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट। एसेट्स को तुम लोग शॉर्ट में समझ सकते हो प्रॉपर्टी, ठीक। अभी एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एग्जांपल हो जाएंगे इसके मशीनरी अकाउंट, जैसा कि अभी मैंने बताया बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश क्या होता है, वही नगद, हमारे पास जो नोट होते हैं ना 500 के 200 के 100 के, उसको बोला जाता है कैश अकाउंट, ठीक है। कैश एक्चुअली हमारा बिजनेस में क्यों कैश चाहिए, अगर कैश नहीं रहेगा तो आज के डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बिना कैश के कभी बिजनेस हो सकता है, सोच ही नहीं सकते। बार्टर सिस्टम अभी नहीं रहा, पहले होता था ना बहुत जमाने पहले, क्या कि हम लोग एक सामान देते थे उसके बदले दूसरा सामान ले लेते थे, पहले ऐसा होता था, बट अभी ऐसा नहीं होता है। अभी एक अगर तुम दुकान में जाओगे और एक सामान खरीदोगे तो तुम्हें उसके बदले क्या करने पड़ेंगे, कैश पेमेंट करने पड़ेंगे। या फिर तुम्हारे दुकान में अगर सामान है और तुम उसको बेच रहे हो तो उसके बदले क्या लोगे, कस्टमर से कैश लोगे। तो कैश असल में बेसिकली बिजनेस को चलाने के लिए यूज में आता है, इसलिए वो एसेट है, ठीक है। कैश अकाउंट, सपोज करो हमारा कैश अगर बैंक में पड़ा हुआ है और हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो बैंक में जो पैसे है ना उसको भी हम लोग एसेट ही बोलेंगे। तो क्या हुआ हमारा बैंक अकाउंट, ईटीसी। तो जितने भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट हो गए वो सारे हमारे क्या हो गए, रियल अकाउंट। अब आया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलेंगे, ठीक है, फिर से एक बार समराइज कर लेता हूं। पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, कोई भी पर्सन या फार्म से रिलेटेड अकाउंट। रियल अकाउंट क्या हो गया, कोई भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट हुआ बिजनेस में बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं और उन खर्चों की वजह से कुछ इनकम होते हैं, ठीक। तो जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस, जितने भी लॉस होगा प्लस जितने भी टाइप के इनकम होंगे और प्लस जितने भी टाइप के गेन या फिर प्रॉफिट होंगे, उन सबको बोला जाएगा ये नॉमिनल अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट, जब हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, सपोज करो मेरा क्या है, फर्नीचर का दुकान है, मैं क्या करता हूं फर्नीचर कहीं बड़े होलसेलर से खरीद के लाता हूं और अपने दुकान में मैं रिटेल करता हूं सपोज। तो क्या हो गया, गुड्स हो गया, गुड्स का को क्या किया मैंने, पहले परचेस किया, तो ये मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पर्सनल, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। सेल्स अकाउंट, हमारा फर्नीचर का दुकान है, मैं क्या करूंगा, गुड्स को बेचूंगा, तो सेल्स अकाउंट हमारा इनकम हो गया। ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम है। सपोज करो मेरे यहां पे कुछ स्टाफ काम कर रहे, उन स्टाफ को क्या करूंगा, मैं हर महीने का महीने 10,000 रुपए करके सैलरी पेड करूंगा। तो सैलरी क्या हो गया मेरा, सैलरी अकाउंट मेरा एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया। सपोज करो मैंने बैंक से लोन लिया है और लोन के बदले मुझे क्या करना पड़ रहा है, कुछ अमाउंट का इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट क्या हो गया मेरा, खर्चा हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट। सपोज करो मैंने किसी सप्लायर से माल खरीदा था और सप्लायर ने मुझे क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। मतलब 1,00,000 का माल खरीदा था, सप्लायर ने बोला भैया आपके लिए 98,000 लगाऊंगा, 2,000 का डिस्काउंट हो गया। तो क्या बोलूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये सारे जितने भी होते हैं एक्सपेंसेस और इनकम, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो क्या समझे तुम लोग आज, आज यही समझे कि जो भी पर्सनल अकाउंट होगा किसको बोलेंगे, जो फर्म या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, जो किसी एसेट को रिप्रेजेंट करेगा उसको बोलेंगे रियल अकाउंट, और अगर कोई एक्सपेंसेस या इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे अकाउंट्स क्या होते हैं, उन सारे अकाउंट्स को बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो आई होप आज अकाउंट समझ में आया होगा, क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि इस अकाउंट्स के थ्रू हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो मैं बता देता हूं, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब गोल्डन रूल सिखाने वाला हूं। ओके, चलो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।